लेकिन तपस्या में बैठे हुए भरत के सामने एक विडंबना का अध्याय शुरू हुआ, जब एक हिरणी के बच्चे को करुणा बस उन्होंने संभालने का संकल्प लिया। कब तक संभालेंगे और कोई कब तक मेरे पास रहेगा, यह बड़ा प्रश्न है। वह हिरण का बच्चा भरत, राजर्षि भरत को छोड़कर, उनके आश्रम को छोड़कर कहीं चला गया। आदमी बांध के रखना चाहता है, जिस घर में चहल पहल मच जाती है बच्चों के साथ, मन तो नहीं होता कि बच्चे बाहर जाएं, लेकिन जब बाहर जाने लगते हैं तो घर में एक फिर से रिक्तता आ जाती है। यही संसार का नियम है, बाहर जाएंगे वो। हिरण का बच्चा भी बाहर चला गया और भरत व्याकुल हो उठे। उसे के चिंतन में चित्त रमने को मजबूर हो गया और एक दिन अनजाने में ही मृत्यु का समय आ गया और राजर्षि भरत शरीर छोड़ने के बाद दूसरा जन्म लेते हैं मृग के रूप में। मृग के रूप में जन्म लेने के बाद पूर्व स्मृति बनी रही, पूर्व जन्म की याद बनी रही। ध्यान देना सज्जनों, ये उदाहरण पूर्व जन्म के सिद्धांत को पुष्ट करने वाला, प्रमाणित करने वाला एक बहुत सशक्त उदाहरण है। हम सब के अनेक जन्म हो चुके हैं और ऐसा नहीं कि आप अभी हमारे पास बैठे हैं, पहले भी बैठे होंगे, पहले भी निश्चित ही साथ रहे होंगे, कभी बुद्ध के साथ रहे होंगे, कभी भगवत पाद आचार्य शंकर के साथ रहे होंगे, कभी भगवान कृष्ण की लीला भूमि में रहे होंगे, तभी तो आपके अंदर अनुराग है। श्री तोदी जी को मैं देखता हूं, पागल बाबा के परम भक्त, हमारे साथ भी सब तरह से जुड़े हुए परम भक्त। वृंदावन का नाम सुनते ही पैरों में, हाथों में, आंखों में स्पंदन शुरू हो जाता है, थिरकन शुरू हो जाती है। तो ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। जो पुराना है वही थोड़ी सी चर्चा हो और उस चर्चा से जो पड़ा हुआ आवरण है विस्मृति का, वो टूट जाता है और स्मृति के तल पर जो अनुभव किया गया था वृंदावन की गलियों में, कभी लीला भूमि में, कभी वह फिर से स्पंदित हो उठता है। हमारे आपके अनेक जन्म हो चुके हैं। जड़ भरत, उनका अंतिम जन्म भरत राजर्षि के रूप में, फिर मृग भरत और आज जड़ भरत के रूप में। आपको बताया था जड़ भरत उनका नाम पड़ गया। अगर अपनी मृत्यु भी और मृत्यु के लिए बनाया गया कोई आयोजन भी विचलित ना करे, अगर एक छोटा सा ऊंदर भी आपकी तरफ मचलता हुआ आने लगे तो आप विचलित हो उठेंगे। अगर एक चींटी भी आपको काटने लगे तो आप विचलित हो उठेंगे। डाकुओं ने योजना बना डाली बलिदान की, कल इस संबंध में संकेत दिया था, लेकिन भरत चलित नहीं होते। एक बात आपको बताएं, भरत जिसके सामने बैठे हैं और जिसकी प्रसन्नता के लिए उनके बलिदान की योजना डाकू ने बनाई है,
वो कौन है जिसके सामने बैठे हुए हैं? भद्रकाली। भद्रकाली, कराल वदना काली, कामिनी कमला कला, क्रियावती कोटराक्षी। काली का जैसा रूप है ये तो उसका औपाधिक रूप है, ये उसका अपना सहज रूप नहीं है। आप भगवान राम को कैसे पहचानोगे? भगवान राम को भगवान राम के रूप में आप कैसे मानोगे? जब धनुष बाण हो हाथ, और धनुष बाण ना हो तो बड़ा मुश्किल है। असली कौन है? धनुष बाण अगर नहीं है तो राम का असली व्यक्तित्व कहां है? अपना व्यक्तित्व किसमें है? ये तो प्रजा के हित में और प्रजा मर के साथ अगर कोई भी बल अपने दुर्भावना ग्रसित शक्ति के साथ शोषण का आयोजन बना रहा हो तो उसके लिए धनुष बाण है, तो क्या हमेशा ही धनुष बाण साथ में रहता होगा? क्या हमेशा ही मुकुट रहता होगा? आप भगवान राम को मानते हैं कि राजा राम को मानते हैं? वाह, तो भगवान राजा, भगवान राम और राजा राम में कुछ फर्क है कि नहीं? अगर सिर में मुकुट है तो मुकुट किसका प्रतीक है? उनके राजा होने का। और जब वे वनपथ में थे तब वो कौन थे? तपस्वी राम। लेकिन आपकी स्मृति में कौन बैठा हुआ है? राजा राम। चाहे वे सीता के राम हो, चाहे वे राजमहल के अंदर अंतःपुर के राम हो, अंतःपुर के राम भी तो हैं। अंतःपुर के राम में ना मुकुट होगा और ना धनुष बाण होगा। आप एडवोकेट की हैसियत से कोर्ट में काला कोट पहने हुए होते हैं, अगर पुलिस ऑफिसर है तो वहां पर पुलिस की वर्दी पहने हुए होते हैं, लेकिन जब घर में जाते हैं तो उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे? अगर घर में भी आप उसे पहने रहते हैं तो यही कहा जाएगा कि अब तो इसको उतार दो, उतारना पड़ेगा। तो आपका असली रूप कौन? ध्यान देना सज्जनों, अब मैं आपको बताता हूं। राम को आप राजा राम के रूप में ही क्यों देख रहे हैं? आप ये तो मानते हैं कि वो राजपुत्र हैं, और जब राजपुत्र हैं तो राजा के जितने भी प्रतीक हैं उनके साथ सहज ही जुड़े हुए हैं, और जब वो भगवत्ता का प्रदर्शन करते हैं, भगवत्ता उनके चरित्र का वह महान पक्ष है जो उनके राजा होने को और भी सुंदर बना देता है, उनके राजा के व्यक्तित्व को और निखार दे देता है। आपका घरेलू व्यक्तित्व घर में तो पूजनीय है, लेकिन घरेलू व्यक्तित्व समाज में नहीं। समाज में अगर आपका व्यक्तित्व कोई आदरणीय माना जाता है तो वह है आपके कर्तृत्व का व्यक्तित्व। आपका कर्तृत्व क्या है? समाज में आपका अनुदान क्या है? समाज में आपके किस कर्तव्य की भूमिका में आप जुड़े हुए हैं, उससे समाज आपको पहचानेगा। संसार अगर राम को याद करता है
भगवान के रूप में, आदर्श राजा के रूप में। इसीलिए सज्जनों कभी कभी प्रश्न पैदा हुआ कि आप राम को किस रूप में देखना चाहते हैं? आपने सीताराम के रूप में देखा, राजा राम के रूप में देखा, और इसी के साथ साथ आपने भगवान राम के रूप में देखा, लेकिन क्या आपने अपने अंदर अपने राम के रूप में देखा? भगवान है तब भी वो बाहर है, लेकिन आपके अपने राम कब बनेंगे? बनाओ, आपके अपने राम कब बनेंगे? जब आप उसके बन जाएं। जब तक आप उसके अपने नहीं बनेंगे, तब तक वो आपका कैसे बनेगा? आप अपने आप को उसका बनाओ। जिस दिन आप अपने आप को उसका बना दोगे, निश्चित ही वह आपका अपना राम बन जाएगा। और जब तक अपना राम नहीं बनेंगे, तब आपके अंतर हृदय में नहीं आएंगे, तब तक दूरी है। उस दूरी को मिटाने के लिए आपको अपनी तरफ से अपने हृदय को खोलना होगा। आइए, जड़ भरत के प्रसंग में बात कर रहा था, वह भद्रकाली जो आपको दिखाई पड़ रही काली काली, अब कोई काली होना कोई ये तो नहीं कि वो बेकार हो गई। काली हो जाना ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि वह बदसूरत ही हो गई। काली होने का भी अपना सौंदर्य है। काली नहीं थी, काली क्यों हो गई? जो गौरी थी वो काली बन गई। जब एक नए को कौशिकी को जन्म दिया, तो उससे एक मलिनता सी आई। आप जरूरत पड़ जाए धूप में निकल पड़े, घर से बाहर निकल पड़े, आपका सौंदर्य मुरझा जाएगा। आपकी ये कपड़े सजनों जो साफ सुथरे दिखते हैं, धूल और पसीने से मलिन पड़ जाएंगे। और अगर इतना काम पड़ गया आपको बाहर कि आप जल्दी लौट नहीं पाए, सज्जनों एक बात बता रहा हूं, हम लोग उज्जैन थे पिछले कुंभ के समय की बात है, भयंकर गर्मी पड़ रही है, शाही प्रवेश के लिए जुलूस निकला। हमारे महात्मा स्वामी अभयारण्य शिव प्रेमानंद जी, शिव स्वरूपानंद जी, हमारे महामंडलेश्वर जी महाराज सब थे। अचानक मैं पाता हूं शाम को जब देखता हूं अपने को, तो मुझे भ्रम हो गया कि मेरी सूरत है कि किसी और सूरत। मुझे अपने को भ्रम हुआ। इसी के साथ अचानक मैं अपने महात्माओं को देखता हूं, ऐसा लगता है कि पूरी कालिक चेहरे पर पोत दी गई है। शिव स्वरूपानंद मानव कल्याण आश्रम के महामंडलेश्वर बनाए गए, उनको तो पहचानना ही मुश्किल था। हाथ हमारे बिल्कुल लगता है कि काले काले पड़ गए। शिव स्वरूपानंद जी का तो चेहरा एक सप्ताह के बाद जो बिल्कुल काला पड़ गया था, क्योंकि मैं थोड़ी छाया में था, छत्र की छाया में था,
और वो हमारे बगल में खुले सूरज की किरणों के साथ धूप में तप रहे थे। सज्जनों, ऐसा मत समझ लेना कि वो काली ही है, ऐसा मत समझ लेना कि वो हाथ में कृपाण ही उठाए रखते। किसके लिए उठाया? मां से बढ़कर करुणा का कौन उदाहरण हो सकता है? विश्व माता, जब उसने देखा कि सत्पक्ष को दबाने वाला जो विरोधी बल है प्रबल होता चला जा रहा है, तब उसे खड्ग उठाना पड़ा। कल इस संबंध में बात की थी, जब आप अपने आराध्य देवों के साथ, देवियों के साथ अस्त्र शस्त्र देखते हैं, तो यह दंड करने की परंपरा का एक प्रतीक है। अगर आतताई अपने आतंक में किसी को शिकार बनाना चाहता है, किसी को मार करके वह अपने आप को खुश पाता है, जश्न मनाता है, तो आप क्या चाहेंगे कि आप उसके हाथों मारे जाएं? चलो इससे भी आगे बढ़ो, आपके पास में आपका बेटा है और आपके बेटे को कोई मारने को तत्पर है, तब आप क्या करेंगे? आपका अहिंसावाद आपको चुप रखेगा, या आपके बेटे पर कोई प्रहार करने जा रहा है कृपाण से और आपके हाथ में कुछ नहीं है, तब आप सोचेंगे मेरे हाथ में कुछ आ जाए, आप क्या करोगे उस समय? आपका सारा अहिंसावाद खो जाएगा। नहीं, शर्म मत करना। अगर रक्त बीज मारा नहीं जाता तो देवासुर संग्राम की परंपरा का अंत नहीं होता। देव गण पराजित होकर सत्वहीन हो जाते, स्वत्व उनका छिन गया होता, वो कभी वापस नहीं लौटता। शुंभ और निशुंभ के अत्याचार का दमन और अंत तभी होगा जब रक्त बीज का वध हो, क्योंकि रक्त बीज के बाद ही शुंभ और निशुंभ का अध्याय है। तो रक्त बीज को खत्म करने के लिए एक योजना बनी, क्योंकि रक्त बीज के शरीर से जब भी रक्त का एक बूंद भी नीचे गिरता था तो उससे जितने रक्त के बूंद गिरे नीचे, उतने ही रक्त बीज उसी के अनुरूप जन्म लेते चले जाते थे। तब एक विधान बना कि इसके रक्त को नीचे न गिरने दिया जाए। आप क्या करोगे सज्जनों? बिना मारे काम नहीं चलेगा, शस्त्र का अस्त्र का प्रयोग तो करना पड़ेगा, और जब अस्त्र शस्त्र का प्रयोग होगा रक्त तो निकलेगा, और रक्त अगर जमीन में गिरा तो नया रक्त बीज पैदा हो जाएगा, तब उस रक्त को कैसे रोकोगे, क्या करोगे, आप बताओ? आप कहोगे उसके रक्त को हम किसी पात्र में ले लेंगे, और पात्र से छलक पड़ा नीचे तो क्या करेंगे फिर?